तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और कई सारे बच्चे अपने साथ इस समय जुड़े हुए थे और इमरान भी आए हुए हैं, तो इनसे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। इमरान का इस बार 605 नंबर आया है और लास्ट नीट में करीब 545 नंबर आ रहा था, तो इनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कैसे इन्होंने किस मेहनत करके इन्होंने अचीव किया इस चीज़ को। मेरा नाम मोहम्मद इमरान और मेरा इस बार नीट में 605 नंबर आ रहा है और 545 नंबर जो है आ रहा था, और मैं BMS कर रहा था पीलीभीत से, वहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर था 19 बैच, तो वहीं से तैयारी सेकेंड ईयर का पेपर दिया, फिर चला गया यहाँ, 2-3 महीने पढ़ा और सिलेक्शन हो गया। 2 महीने में निकाल? हाँ, 3 महीने लगभग, 2-3 महीने जो है पढ़ाई की, उसके बाद जो है हो गया। तो BMS में ये होता है कि जो है BMS और MBBS की बात अलग है। BMS में ये था कि जो है सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, क्योंकि जब प्रिपरेशन करने आते हैं तो एक ड्रीम रहता है कि जो है MBBS ही करना है, लेकिन जो है मजबूरी में इंसान BMS कर ले, जो है जब नहीं होता है तो क्या करता है, BMS कर लेता है, डॉक्टर तो लग ही जाएगा ये सोच करके। क्या रिकमेंड करें? फिर वहाँ जा के पता चला कि संस्कृत होती है और बाकी श्लोक वगैरह होते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, फिलहाल जो है कैसे जैसे तैसे करके जो है फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट ईयर क्रॉस किया, उसके बाद जो है सेकेंड ईयर में उससे ज़्यादा श्लोक, तो फिर हमने सोचा जो है एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हो सकता है इस बार निकल जाए, तो इस बार 605 नंबर आ रहा है। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष है और मेरे लास्ट ईयर 551 मार्क्स आए थे, इस साल मेरे 623 मार्क्स आए हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन कीजिएगा पढ़ाई में और NCERT पढ़िएगा पर डे, एक सब्जेक्ट की NCERT पर डे पढ़िएगा और रेगुलर पढ़िएगा, और टेस्ट देते रहिएगा, टेस्ट को एनालाइज करिएगा और अपने टीचर से डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू। मेरा नाम अनुज कुमार वर्मा है और मेरा इस साल 640 नंबर आ रहा है, पिछले साल मेरा 548 नंबर था। हाँ, सबसे बड़ी बात ये आप प्रिपरेशन के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहें और वो आपको एग्जाम के टाइम काफ़ी हेल्पफुल होंगे, रिवीजन के टाइम पे। हेलो, मेरा नाम है आफाक अहमद सिद्दीकी, मेरा इस बार स्कोर हाँ फिर से बोलते हैं हेलो मेरा नाम है आफाक अहमद सिद्दीकी, मेरा इस बार 625 नंबर आ रहा है, पिछली बार मेरा 570 नंबर था, थोड़ा सा कम रह गया था। तो मैं जो भी अब 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आप अपनी तैयारी जब करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने, मतलब बीच की तैयारी बहुत वो होती है, क्रूशल होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं करते, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको टेस्ट पेपर बहुत सारे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप रेगुलर टाइम पर अगर टेस्ट देते रहेंगे तो आप अपने प्रिपरेशन से एकदम टच में रहेंगे। तो बस प्रिपरेशन में टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि, और रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन ये है कि जब लास्ट का एक महीना होता है तो फिर आप उसको सिर्फ टेस्ट और रिवीजन के लिए बचा के रखिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कितना भी पढ़ रखा है लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसीलिए टेस्ट और रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस थैंक यू। हाय एवरीवन, माय नेम इज अमन सिंह, माय लास्ट ईयर स्कोर वाज 484 एंड माय दिस ईयर स्कोर इज 606। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर जिसको भी सिलेक्शन पाना है अगले साल, वो बायोलॉजी पे पूरी तरह से NCERT पे रिलाई करें, NCERT पढ़ें, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने इस साल की है वो मेरे सर की बुक है, डॉक्टर हरिओम गंगवार की, वो बायोनीट से प्रैक्टिस करें। बायोनीट में एजर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मतलब मैच द फॉलोइंग वाले, स्टेटमेंट वाइज वाले, हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एम्स लेवल मतलब हर चैप्टर से 300-250 इस तरह सवाल मिल जाएंगे, तो वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था, इस साल मैंने किया था। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट के जब 2 महीने बचते हैं नीट से पहले तो रेगुलर टेस्ट देना चाहिए। मतलब ये था कि मेरा 1 महीना लास्ट का बचा था, उस 1 महीने में मैंने 20-25 टेस्ट दे डाले थे, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। उसके अलावा ग्रुप स्टडी आप करते हैं अगर, तो
वो भी अच्छा रहता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनीत शुक्ला। मेरा लास्ट ईयर स्कोर 570 था, इस ईयर स्कोर मेरा 605 है। मैंने गंगवार यार्ड इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, इससे मुझे काफ़ी मदद मिली। यहाँ की टेस्ट सीरीज और अदर टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर रखा, बाकी सिलेबस एनसीईआरटी था, पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रहा। इधर उधर ध्यान नहीं देना है और पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करनी है, गैप नहीं करना है और कंसिस्टेंटली, बहुत जरूरी है कंसिस्टेंटली पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है, कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। और एनसीईआरटी को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, टेस्ट सीरीज पे भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। डेली टेस्ट, डेली तो टेस्ट नहीं दे सकते, आखिरी में डेली भी टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि जब आखिरी में फुल लेंथ टेस्ट देंगे हम लोग, तो उसमें आपको कुल मिला के हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है पेपर में पहुँचने पहले, क्योंकि 3 घंटे के टाइम में आपको 200 क्वेश्चन मैनेज करने रहते हैं, और वो 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस से ही मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे, क्योंकि आपका, आप वहाँ ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है वहाँ पे। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।